टू माई चैनल ब्लॉग विद खुशबू सिंह। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। रेडी मतलब मैंने साड़ी पहन ली है और मैंने पहन ली है चूड़ियाँ, और अब मैं करने वाली हूँ अपना मेकअप फॉर तीज लुक। मैं अपना क्रिएट करने वाली हूँ, तो चलिए दिखाते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ ये मेकअप। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया है विद द हेल्प ऑफ माई सीरम, जो मेरे पास विटामिन सी और विटामिन B3 जो सीरम है, तो मैंने उससे अपने फेस को मॉइस्चराइज कर लिया। अब मैं आगे का प्रोसेस बताती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना ये NYB का प्राइमर। प्राइमर से जो हमारा फेस है ना, वो बहुत ही अच्छा, इसको एक बेस मिल जाता है और हम जो भी मेकअप करते हैं वो बहुत ही ईजिली ब्लेंड होता है। प्राइमर को मैंने ऐसे अपने फिंगर्स पे ऐसे ले लिया है और फिर मैं ऐसे पूरा अच्छे से पहले मिलाऊंगी और फिर मैं इसको टैप टैप करूंगी। तो प्राइमर इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना ये NYB का फाउंडेशन और मैं इसे अपने फिंगर्स की हेल्प से छोटे छोटे डॉट्स में लगाऊंगी पूरे फेस पे। और फिर उसके बाद आप एक ब्यूटी ब्लेंडर लें जिसको पानी में आपने सोक किया हो और उसको अच्छे से निचोड़ लें, फिर उसे मिला लें। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ अपना ये NYB का स्टिक फाउंडेशन कलर करेक्टर, और ये कंसीलर भी है, इसका कॉन्टोर शेड भी आता है। इस ब्लेंडर की हेल्प से सिर्फ इसको अपने उन्हीं जगहों पे मैं इसको पैक कर रही हूँ जहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया थोड़ा पिगमेंटेड है, वहीं पे मैं सिर्फ इसको ब्लेंड कर रही हूँ, पूरे फेस पे ब्लेंड नहीं कर रही हूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने लगाया था कंसीलर, मैं उस जगह को इससे अपने पैक कर लेती हूँ। फेसेस कनाडा ये जो मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर है, उससे इसे, ताकि ये जो हमारा कंसीलर है वो थोड़ा सा क्रीमी है तो वो केकी ना दिखे। बस मैंने इसको पैक कर दिया। तब तक मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। ये वो मिनी लिपस्टिक है NYB और इसका शेड है प्रो लुक। मैंने जो पाउडर यहाँ पे लगा दिया था उसके एक्सेस पार्ट को मैं इसे रिमूव कर दूंगी। आई मेकअप, और इसके लिए मैं यूज कर यहाँ पे हिलेरी हुडा का ये छोटा सा मेरे पास आई शेडो पैलेट है, मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और ये मैंने लिया था अपने एक लोकल मार्केट से। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पिंकी शेड लेकर के मैं अपने पूरे आई को कवर करूँगी। ये थोड़ा सा शिमरी है, अपनी साड़ी से मैच करता हुआ ये ब्लू शेड है इसमें, मैं उसको लूँगी थोड़ा सा और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ अपने कॉर्नर पे और फिर अपनी ग्रीस लाइन पे। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी थोड़ा सा लाइट शेड है, स्काई ब्लू काइंड ऑफ ये शेड है, मैं इसको यहाँ पे अपनी आईलिड्स पे लगाऊंगी। आप चाहें तो इसको ऐसे अपने फिंगर टिप से भी लगा सकते हैं। यहाँ पे मैंने लगा लिया है आई शेडो और अब चलते हैं लाइनर लगाने की तरफ बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे फिर से मैंने जो ये डार्क ब्लू शेड जो मैंने लिया था इसको लेकर के मैं हल्का सा अपनी इनर आईज पे प्रेस कर लगा रही हूँ मैं, और मैं बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं लेकर जाऊँगी। अब मैं लगा रही हूँ लैक्मे आइकॉनिक काजल अपनी आँखों में, ऐसे मैं सेट करके लगाऊंगी ताकि दोनों शेड का कलर आए। अब मैं पहन लूंगी अपने कानों में थोड़ा सा ये बड़े इयररिंग। Thank you.
ये था मेरा तीज मेकअप लुक। आप लोग को कैसा लगा मुझे ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे होम, स्टे हेल्दी। बाय एवरीवन।